उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान हरीश रावत ने बताया कि वो राज्य सरकार को घेरने के लिए अगले महीने एक पद यात्रा करने जा रहे हैं। राज्य सरकार को हरीश रावत डेंगू, गन्ना भुगतान और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर घेरने वाले हैं। हरीश रावत का कहना है कि आगामी कुंभ मेले के लिए सरकार को स्थायी प्रवृत्ति के निर्माणों पर ज्यादा जोर देना चाहिए और इसके लिए सरकार को इलेक्ट्रेट बॉडी के साथ बैठकर चर्चा भी करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों से और यहाँ के पूर्व और वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधियों से और जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनसे कुंभ की तैयारियों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। और हमारा फोकस कुंभ में स्थायी संपत्तियों का निर्माण और कुंभ क्षेत्र का स्थायी विस्तार, ये हमारा लक्ष्य है। तो मैं बेरोजगारी और नशे के खिलाफ जनमत जागृत करने के लिए एक 4 दिन की पदयात्रा करूँगा। पहले मैं सितंबर में करने जा रहा था, अब अक्टूबर में करूँगा, क्योंकि इधर मैं कुछ उलझनों में फंसा हुआ हूँ, तो इसलिए अब मैं अक्टूबर में ये करूँगा। और अभी तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन अपने दोस्तों से बात करके तिथि निर्धारित करूँगा।